खेल दिवस के अवसर पर कोविड 19 के जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए शनिवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम हॉकी खेल के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अरुणेंद्र कुमार पांडे सहित हॉकी के खिलाड़ियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इस संबंध में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अरुणेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि आज खेल दिवस 29 अगस्त पर देश दुनिया हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद कर रही है। उन्होंने जिस खेल की बदौलत भारत की बादशाहत कायम की और विश्व पटल पर हॉकी की पहचान दी, इससे हम सभी को गौरव की अनुभूति होती है। आज खिलाड़ियों को उनके पद चिन्हों पर चलकर इसे कायम रखने की जरूरत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अरुणेंद्र कुमार पांडे ने कहा, लेकिन उस मैच को पूरा देखा है विकलांग ने, और मैच समाप्ति के बाद बोला, ध्यानचंद इधर आओ, तुम क्या हो भारत में? ध्यानचंद जी ने कहा, मैं भारत में सेना जब भारत में रहूंगा, जो भी है जैसा भी है, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। तो ये हम लोगों के लिए एक गर्व की बात है कि आज की पीढ़ी हम लोग जो जन्म ध्यानचंद मतलब हॉकी। वैसे तो हम लोग हर साल कोई ना कोई खेल कार्यक्रम के हॉकी के अलावा बहुत सारे कार्यक्रम सारी चीजें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जब मौसम ठीक होगा, जब कोरोना समाप्ति की हो जाएगी, तब तो हम लोग दोबारा शुरू करेंगे। सर्वप्रथम मैं हॉकी ही नहीं, भारतवर्ष में किसी भी खेल में महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की स्मृति में भारत सरकार के द्वारा आज के दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी खिलाड़ियों के लिए गर्व की बात है और एक सीख लेने की भी बात है जो उदयमान खिलाड़ी हैं। इस संक्षिप्त आयोजन में आयोजन के आयोजककर्ता क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी प्रधानाचार्य वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, आदरणीय अरुणेंद्र पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित खेल से संबंधित सभी कोचगण, सम्मानित खेल संघ के पदाधिकारीगण तथा उदयमान खिलाड़ियों, आज जो स्लोगन लेकर के हमारे उदयमान खिलाड़ी हम सभी के समक्ष खड़े हैं, उसमें दुनिया की महान विभूतियों ने मेजर ध्यानचंद जी के बारे में अपने स्तर से, अपने दिल की गहराइयों से अलग अलग चीजों को हम सभी के सामने रखा है। निश्चित तौर पे मैं विशेषकर उदयमान खिलाड़ियों को, जो कि खेल के क्षेत्र में, किसी भी खेल के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि जो चीजें मेजर ध्यानचंद जी के बारे में लिखी गई हैं, उन चीजों को अंगीकार करें और उन चीजों को कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा के साथ आगे बढ़ाते हुए भारत का नाम इस पूरे वर्ल्ड दुनिया में गर्व से ऊंचा करने का काम करें। मैं इस कोरोना संक्रमण में के कारण कोई आयोजन नहीं हुआ, लेकिन प्रत्येक वर्ष इधर लगातार पांडे जी के सहयोग से पिछले वर्ष ही हम लोगों ने एक हॉकी का आयोजन किया था, उसके पहले भी विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया था। निश्चित तौर पर इस दौर से हम बाहर निकलेंगे और खेल को एक नई ऊंचाई और एक नया आयाम देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एके पांडे, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी गोरखपुर। आज हॉकी के सर्वोत्तम खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, महानतम खिलाड़ी स्वर्गीय ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको सभी को पता है, आपको भी, हमको भी, सबको पता है कि आज के दिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है और विगत कई वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज, क्योंकि कोरोना काल है, देश भर में सारे खेल गतिविधियां स्थगित हैं, इसलिए खिलाड़ियों को बीच में और जो आमंत्रित लोग थे उनके बीच में उनके कृतियों पर प्रकाश डाला गया। खिलाड़ियों को इसलिए आमंत्रित किया गया था कि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो ध्यानचंद को नाम तो सुने हैं, जानते हैं, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनके कृत्यों से परिचित नहीं है,
जो उनके किए गए कार्य हैं, जो उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है, तो ये बताना उद्देश्य था कि उनके अंदर भी एक भावना प्रचलित हो और वो खेल के प्रति प्रेरित हों।